जब सेटिंग फेस का आया तो मुझे लग रहा था कि यार मेरे तो बाल जितने भी लगाए हैं वो सारे निकल रहे हैं, कि मैंने शीशे के सामने देखा कि यार ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं अभी करा क्या हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब सा डर सा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो गया हो या कुछ किस तरह से कोई परेशानी हुई हो। मेरा नाम डॉक्टर राजीव सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। ये मेरी फोर्थ PRP है। मेरे हेयरफॉल्स तब से स्टार्ट हुए हैं जब 2022 से मैं देखा कि मेरे बाल थोड़े से अजीब से लगने लगे हैं, कि टूटने लगे हैं, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कि ऐसा लगता था जैसे कि बिल्कुल आगे से बिल्कुल मतलब सारे बाल धीरे धीरे करके उड़ जाएंगे, और चेहरा भी बहुत अजीब सा लगने लगा था। मुझे कई लोगों ने टोका कि आप कुछ यूज करो, तो मैं फिर धीरे धीरे करके मैं सोच रहा था कि यहाँ पे QHD पे आऊं और हरिद्वार आके अपने ट्रांसप्लांट करवाऊं। तो मैं अभी 8 महीने पहले मैं यहाँ पे आया और मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। मेडिसिन के लिए काफी ने कहा, मैं भी खुद डॉक्टर हूँ तो कि मैं भी कुछ मेडिसिन लूं, लेकिन मेडिसिन से नहीं कुछ हो पाया। मेडिसिन भी लगाए, कुछ लोग बोलते थे कि ऑयल आता है काफी कि उसको यूज करो कि आपके बाल वहाँ पे रुक जाएंगे। वो भी मैंने यूज करके देखा, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। इसके बाद फिर मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं और हरिद्वार जाके QHD पे ही कराना है। QHD में मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, और यहाँ के डॉक्टर्स भी अच्छे तरीके से बात करते हैं। सेकंड बात यह है कि मैं दूसरी जगह कहीं भी गया हूँ तो इतना अच्छा मुझे नहीं लगा, और यहाँ का सारा टोटल स्टाफ अच्छा है, सही से सब लोगों ने अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया। मुझे शुरू से डर लग रहा था कि यार दूसरों के इंजेक्शन लगाते हैं, दूसरों की सर्जरी करते हैं, तो उस समय तो दर्द नहीं लगता, लेकिन कभी अपने आप को एक इंजेक्शन भी लगता है तो बड़ा एहसास होता है। अभी भी मैं यहाँ पे आके आया तो लगा कि इंजेक्शन लगेगा या बड़ी तकलीफ होगी, और जब मैं शुरू में सर्जरी कराने के लिए यहाँ पे आया तो मुझे बड़ी हेजिटेशन सी हो रही थी, पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या होगा, कि एनेस्थीसिया देंगे क्या करेंगे, लेकिन क्या है कि मुझे इतना अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी सर्जरी हो गई। बस थोड़ा सा इंजेक्शन का पता चला था कि इंजेक्शन लगा, और उसके बाद में फिर मुझे नाश्ता दिया गया। कुछ देर बाद पता चला कि आपकी टोटल सर्जरी हो गई है। मेरा पीछे से ये निकाले गए, हेयर निकाले गए ट्रांसप्लांट के लिए, तो मुझे लग रहा था कि इसमें पेन होगा, और दूसरी बात कि लगा था कि काफ़ी दिन बाद हील हो पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि एकदम से ही दर्द भी नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि हील होने में 15 दिन के बाद फिर पेन खत्म हो गया। जब सेटिंग फेस का आया तो मुझे लग रहा था कि यार मेरे तो बाल जितने भी लगाए हैं वो सारे निकल रहे हैं, कि मैंने शीशे के सामने देखा कि यार ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं अभी करा क्या हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब सा डर सा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो गया हो या कुछ किस तरह से कोई परेशानी हुई हो। तो मैंने आके यहाँ पे कंसल्ट किया डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है सर, धीरे धीरे सही हो जाएगा, सेटिंग फेस चल रहा है और इसलिए सिर्फ 1 महीने में आपका सही हो जाएगा। तो धीरे धीरे सब कुछ सही होता चला गया। शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि बाल आएंगे या नहीं आएंगे, कि क्या मेरे पैसे ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन क्या है कि अब फोर्थ मेरी PRP हुई है तो मुझे आज अच्छा लग रहा है कि मेरे बाल आ गए। मेरे दोस्त भी टोकते हैं मुझे कि यार ये कहाँ आपने कराया है, तो उनको भी मैं ये सजेशन देता हूँ कि आप वहाँ पे QHD में जाइए और वहाँ पे ही कराइए, वही बेस्ट है। प्राइस के हिसाब से अफोर्ड आराम से हो जाएगा, कोई भी करा सकता है, लेकिन दूसरों की अपेक्षा अच्छा है। इसके लिए मैं QHD को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, मुझे आज 8 महीने हो गए हैं सर्जरी को, और पहले से मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरे हेयर की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। और नेक्स्ट बार मिलते हैं, थैंक यू QHD। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.